अली जी के नेतृत्व में आज पार्टी में इनका योगदान हो रहा है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ पदाधिकारी, एमआई के जिला अध्यक्ष, इन सभी के नेतृत्व में आज एक बड़ा टीम पूरे प्रदेश भर के इनके नेतृत्व कर रहा है, जो पार्टी में योगदान दे रहे हैं। मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूँ कि बदले परिस्थिति में राज्य की आवश्यकता, युद्ध की आवश्यकता के आधार पर एक पूरा युद्ध के लिए काम करने वाले, संघर्ष करने वाला एक नेतृत्व और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बेसिक प्लेटफॉर्म में आकर अब प्रदेश का नेतृत्व करेगा, इसकी शुभकामना हम देते हैं। वातावरण, मैंने कहा कि वातावरण बदल रहा है, अहमियत का मूल्यांकन हो रहा है और इसके आधार पर भविष्य को गढ़ने की तैयारी एक साथ एक जुबान से करने की तैयारी हम सबकी हो रही है। उसी पर बल देने के लिए आज अली शाह और हमारे शेष नेता आज पार्टी में योगदान किए हैं। मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को उपलब्ध कराया है आसू पार्टी के माध्यम से, और आप लोग जानते होंगे कि 2004 से लेकर अब तक जन संगठनों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। चाहे वो छात्रों का सवाल हो, युवाओं के रोजगार का सवाल हो, स्थानीय नियोजन नीति का सवाल हो, भाषा संस्कृति का सवाल हो, इस राज्य में जो करप्शन का मामला हो उस पर सवाल हो, जेपीएससी का मामला हो, और जो दूसरे मामले हो, और सबसे बड़े जो क्या अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग से संबंध रखते हैं, मुसलमानों का जो मसाइल है, उन मसाइलों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया है। कई मसलों को संघर्ष के माध्यम से सॉल्व भी करवाया गया है। बहुत सारे मसले जो है सॉल्व नहीं हो पाए, और जिन लोगों ने, जिन दलों ने वादा किया था, आज वो उस वादा को पूरा करने में नाकाम साबित हुए। चौथा साल सरकार का है, कई बार लिखित में आंदोलन के माध्यम से, अभियान के माध्यम से अवगत कराया गया कि हमारे मसलों को, झारखंड के मसलों को, युवाओं के मसलों को सॉल्व करो, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, हमें अधिकार और न्याय देने को वो तैयार नहीं है। आसू पार्टी ने अधिकार और न्याय की बात की है और ये लगातार काम करते आ रहे हैं। इन्होंने वादा किया है कि भाई झारखंड की जनता को और झारखंड में रहने वाले सभी समुदाय के वर्ग को, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो या दूसरे वर्ग के जो गरीब वर्ग है, उनके हक अधिकार पर ये काम करेंगे। और इसी आश्वासन और भरोसे के बाद आज हम लोग जो है अपने संगठन के पदाधिकारी आसू पार्टी में शामिल हुए, और इस राज्य के उत्थान के लिए जो झारखंडी जो आंदोलनकारी हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग 2024 में माननीय श्री सुदेश कुमार महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।